नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक, ऐसा रेयर, ऐसा दुर्लभ वीडियो लेकर के आया हूँ। उस वीडियो का आप आनंद लीजिए जिसमें आपको महानायक अमिताभ बच्चन तथा डायलॉग किंग राजकुमार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इतना नहीं दोस्तों, उस वीडियो की क्या विशेषता है और उसमें क्या क्या मतलब ऐसी मजेदार घटनाएं हुई थी, इतनी शानदार घटनाएं हुई थी, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ और इस पूरी मेरी कन्वर्सेशन के बाद में, मैंने पूरी जानकारी देने के बाद में वो वीडियो भी आपके लिए यहाँ पे लगाया है, तो आप चैनल पे उस वीडियो का भी आनंद लीजिएगा। दरअसल दोस्तों 1991 में अमिताभ बच्चन की रोमेश शर्मा द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम। और दोस्तों उस फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन का जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। टाइगर के रोल में बहुत ही कमाल का उनका अभिनय था। एक्शन, कॉमेडी, इमोशन से भरपूर बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। गोविंदा तथा रजनीकांत भी उनके साथ थे, डेनी थे, अनुपम खेर थे। तो बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी एक्शन मूवी थी और बहुत मजेदार मूवी थी। तो दोस्तों 1992 के जो अवार्ड समारोह हुए थे उसमें अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस फिल्म के लिए मिला था। हालांकि आपको बता दूं कि इस अवार्ड समारोह के लिए, इस जो बेस्ट एक्टर के नॉमिनी के लिए, यहाँ पे अनिल कपूर भी नॉमिनेट हुए थे फिल्म लम्हे में, उन्होंने भी जबरदस्त काम किया था। इसके अलावा दिलीप साहब भी नॉमिनेट थे फिल्म सौदागर के लिए, जहां उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा दोस्तों साजन फिल्म के लिए संजय दत्त को भी नॉमिनेशन मिला था। लेकिन दोस्तों जब बेस्ट एक्टर का जीतने का जो एक बुलाया जाता है मंच के ऊपर, स्टेज पर, तो अमिताभ बच्चन को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। वो डिंपल कपाड़िया अवार्ड देने वाली थी, तो डिंपल कपाड़िया ने जैसे ही अमित जी का नाम पुकारा तो अमित जी वहां पर स्टेज पर गए थे। और दोस्तों वहां पर राजकुमार थे डिंपल कपाड़िया के साथ, डायलॉग किंग, वेटरन एक्टर, लीजेंडरी एक्टर राजकुमार साहब भी वहां पे थे। राजकुमार साहब से अमिताभ बच्चन गले मिलते हैं, कुछ देर दोनों आपस में बातें करते हैं। तो बड़ा ही अविस्मरणीय सीन था जब अमित जी और राजकुमार बहुत कम मौकों पर साथ दिखाई देते हैं, कभी वे एक फिल्म में साथ नजर नहीं आए। और इतने बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी दोनों ही कलाकार करते हैं, राजकुमार जी के तो क्या कहने, डायलॉग किंग कहा जाता है उनका, लाजवाब अदाकार थे। तो दोस्तों राजकुमार जी और अमिताभ बच्चन को एक साथ वहां पर देखना एक बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए मतलब विशेष तौर पर यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों फिर डिंपल कपाड़िया जी अमिताभ बच्चन जी को वो अवार्ड देती है बेस्ट एक्टर का, लेकिन अमित जी वहां क्या करते हैं, अमित जी कहते हैं मैं तो बहुत अवार्ड जीत चुका हूँ और मुझे तो पिछले वर्ष ही मतलब एक लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है, मतलब कि मैंने तो काफी अवार्ड जीत लिए और मेरा फिल्मों में लगभग मतलब बहुत सारा मैं काम कर चुका हूँ। और अब ये जो अवार्ड है वो जो हमारे फ्यूचर के कलाकार है, जो आने वाले कलाकार है जिनका ये भविष्य है बॉलीवुड से, तो उन कलाकारों के नाम में ये अवार्ड करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर के उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड है वो आमिर खान या संजय दत्त को देना चाहूंगा। आमिर खान फिल्म दिल चाहता है के लिए नॉमिनेट हुए थे, संजय दत्त फिल्म साजन के लिए नॉमिनेट हुए थे। तो अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि कृपया आप स्टेज पर आइए और मेरे साथ अवार्ड को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आमिर खान तो समारोह में मौजूद नहीं थे तो वो नहीं आए, लेकिन संजय दत्त तुरंत वहां पे आए थे और अमित जी ने अपना अवार्ड वो संजय दत्त को दे दिया था। उसके बाद में राजकुमार साहब से कुछ देर वो मिलते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों अमित जी और संजय दत्त दोनों एक साथ वहां से बातें करते हुए जाते हैं। तो बड़ा ही अविस्मरणीय सीन बन जाता है जब आप इतने लीजेंडरी एक्टर्स को एक साथ देखते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको वीडियो में शम्मी कपूर साहब भी दिखाई दे रहे हैं और भी कई बड़े बड़े कलाकार आपको वहां पे नजर आ रहे हैं। तो काफी दुर्लभ वीडियो है, आप इस वीडियो का लुत्फ लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। Ladies and gentlemen, I'd like to thank the Times of India Group, all the judges and all the fans that voted me today to win the Best Actor Award. I must say that I'm deeply touched by this honor. Last year, Filmfare gave me an award for my contribution to cinema in India.
which was called the Raj Kapoor Award, and I was very honored to have got that. I thought that once I've received that, that should be the end of any future awards. But the theme for today's award ceremony is the brave new face, and I don't see how I fall into either of those two categories. I'm neither brave anymore, neither is my face new. And since the theme of today's function is for the future, for the new, I would like to share this award with my colleagues of the future, Mr. Sanjay Dutt and Amir, and I'd be grateful if they could come up on stage with me and share it. This is by no means trying to belittle the efforts of the greats that are standing next to me, Mr. Dilip Kumar and Mr. Raj Kumar. We've had great respect and we've honored you all through your career, sir. And I'd like to say a special thank you for being here today with us and honoring me with this award. Thank you so much. Rajji, before you go down, a few words, please. Rajji, before you go down, a few words. Well, Amit rightly deserved it, and is positively a very accomplished artist and an admirable star.